जय हिंद! स्टूडेंट आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर यहां पर हम जो इस वीडियो का पर्पस है वो आज बहुत क्लियर है देख सकते हैं आप सीडीएस एग्जाम टू 2024 एक्सपेक्टेड कट ऑफ जी हाँ दोस्तों रिसेंटली फर्स्ट ऑफ सितंबर को एन और सी के एग्जाम्स हुए हैं और इसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यानी पेपर का मोड साथ ही साथ में किस तरह से पेपर आपके रहा है और क्या आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है किस तरह से आपका वेरिएशन हो सकता है क्या लास्ट ईयर से कम होगा लास्ट ईयर से ज़्यादा होगा या क्या होगा क्या नहीं होगा तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके इसी टॉपिक पर कि किस तरह से आपके यू जो है कट ऑफ डिसाइड करती है साथ ही साथ क्या कट ऑफ हो सकता है यानी कौन सा सेफ स्कोर आपके लिए एलिजिबल हो सकता है फॉर आपके एस इंटरव्यूज यानी आपके एग्जाम के सेकेंड फेज को लेकर तो इन सब की बातें हम करने के लिए आपका यहाँ पे उपस्थित हैं चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के सबसे पहले जो आपका पेपर हुआ है पेपर में यहाँ पे जो कट ऑफ जो होता है तो कट ऑफ डिसाइड किया जाता है बेसिकली यहाँ पर दो तीन चीजें यहाँ पे होती नंबर ऑफ वैकेंसी है ना फिर उसके बाद होती है आपके वैकेंसी के बाद जो सेकंड जो होता है वो होता है आपका पेपर मोड है ना या फिर पेपर का जो टाइप है किस टाइप का पेपर था इजी था मॉडरेट था या फिर आपके कह सकते हैं हार्ड था तो ये थोड़ा सा डिपेंड करता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी पेपर का मोड किस टाइप का पेपर था आपका कट ऑफ मतलब आपके हार्ड होगा तो कट ऑफ थोड़ा सा नीचे आ जाएगा इजी होगा तो कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ जाएगा और अगर मॉडरेट होगा तो यहाँ पर क्या चीज़ें होने वाली है तो ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर देखेंगे है ना तो ये बेसिकली दो फैक्टर्स होते हैं कट ऑफ डिसाइड करने के लिए है ना और भी कुछ आपके होते हैं लाइक नंबर ऑफ अपीरेंस स्टूडेंट्स कि कितने स्टूडेंट जो है आपके अपियर होते हैं बेसिकली ये जो में ये सेंट्रल ऑर्गेनाइज्ड है है ना जिनको डिफेंस मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है और साथ ही साथ में यूपीएससी के कोलाब्रेशन से आपका ऑर्गेनाइज़ किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो कट ऑफ है बेसिकली इन दो फैक्टर्स पर आपका डिसाइड किया जाएगा है ना तो ये सारी चीज़ें जो है आपके कट ऑफ को डिसाइड करेगी और इसी के साथ जो है कट ऑफ आपका एक्सपेक्टेड हो सकता है लास्ट ईयर देखे जाए तो आपके पेपर जो है यू कंडक्ट करवाता है तो पेपर ईजी टू मॉडरेट या फिर आपके हार्ड होता है है ना तो बेसिकली जो आपके जो इस बार का जो पेपर आया था सी का अगर हम उसके डीप में एनालिसिस करते हैं यानी आपका इंग्लिश का पेपर देखते हैं जी का पेपर देखते हैं तो दोनों पेपर को देखने के बाद ये डिसाइड किया गया है तो पेपर का जो आपके मोड जो था यानी टाइप जो था वो आपके अप्रोक्स यहाँ पर जो हुआ था वो इजी टू मॉडरेट कंडीशन में है कुछ क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज थे करंट अफेयर्स में आपके ज़्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो 2023 से जी के पेपर में लिए गए इंग्लिश में भी कुछ पैटर्न में आपका चेंज किया गया है तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके यू हर बार करता है और बच्चों को हर बार सरप्राइज मिलता भी है तो इस बार का अगर उस हिसाब से कट ऑफ देखें है ना नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर फोर थी है ना साथ ही साथ में आपका पेपर का जो मोड है वो ईजी टू मॉडरेट मोड में जाता है कुछ क्वेश्चन ईजी थे और कुछ क्वेश्चन हार्ड भी थे और ऐसे में हम इसे मॉडरेट फिनोमिना कहेंगे ना तो ज्यादा ईजी था ना ज्यादा हार्ड था तो बेसिकली यहां पे कट ऑफ आप देख सकते हैं मेरे सामने यहां पर मैंने टू थाउजेंडी का सेकेंड जो सीडीएस है इसके लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रिव्यू से हुआ है लाइक like उनके जो नंबर्स हैं उनके जो कैलकुलेशन से उनके जो पेपर के एनालिसिस हैं उसी एनालिसिस बेस्ड पर ये कट ऑफ लिस्ट में आपके सामने

वन जीरो टू तक हो सकता है मतलब हंड्रेड से वन जीरो फाइव तक जिसका भी नंबर है अगर वो टी ए वेमेन में तो वो सेफ है सेकंड कट ऑफ ओ टी ए मैन के लिए टू सेवेंटी सिक्स नंबर ऑफ पोस्ट है तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा गिर जाएगा आप देख सकते हैं नाइन्टी फाइव टू हंड्रेड तक है ना यहाँ पर पांच नंबर कम या ज्यादा हो सकते हैं मतलब एक दो नंबर का वेरिएशन या फाइव नंबर का वेरिएशन आपके यहाँ पे देखने को मिल सकता है है ना फिर उसके बाद आई एन ए है आई एन ए में जो कट ऑफ जाएगा वो थर्टी टू वैकेंसीज पर वन वन फाइव टू वन टू जीरो तक होगा फिर उसके बाद अगला है एफ एफ एयरफोर्स के लिए कट ऑफ है वो 135 थर्टी फाइव टू वन के अराउंड जाएगा हर बार ऐसा ही होता है कट ऑफ ज्यादा ही जाता है इस वाले में आईएमए का जो है वो आपके 100 जो है आपका यहां पे क्या हो सकता है आपके 100 वैकेंसीज पर कट ऑफ वन टू 130 के अप्रोक्स जा सकता है तो ये एग्जैक्ट कट ऑफ तो नहीं है बट इनिशियली आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यानी आपके जो 200 मार्क्स के जो पेपर हैं उसमें अगर आप इतने नंबर से आप ला रहे हैं अगर आपका वेरिएशन इतना हो रहा है है ना विथ नेगेटिव मार्किंग तो ऐसी कंडीशंस में आप यहां पे सेफ जोन में हैं और सेकेंड फेज के लिए आप अपना प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं ठीक है दोस्तों तो ये कुछ है और ये नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल नंबर सीट ऑफ आपके फो फोर फिफ्टी थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी के भी पर हमने एक छोटा सा एनालिसिस आपके समक्ष लाए हैं तो कैसा वीडियो लाइक करिएगा शेयर करिएगा साथ ही साथ जिन बच्चों के नंबर्स आए हैं वो अपनी कमेंट बॉक्स में अपने अपने नंबर जो है कमेंट करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय जै भारत